अब वही बात है, ये सबसेट सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो काम इसके अंदर भी हमने तकरीबन तकरीबन वही वाला करना है जैसे हमने कल नॉर्मलाइजर के लिए किया था, बस एक थोड़ा सा फर्क आने लगा है। वो हम आज यानी कि ये जरा कल वाला जो काम था वो जरा वीकर कंडीशन थी अप्लाई करने के लिए, आज की जो कंडीशन है जरा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, यानी कि आज की कंडीशन जरा सख्त कंडीशन है, यानी कि एलिजिबल कोई ग्रुप का एक एलिमेंट नॉर्मलाइजर का हिस्सा बने ये एक आसान कंडीशन है, लेकिन कोई एक ग्रुप का एलिमेंट सेंट्रलाइजर का हिस्सा बने ये थोड़ी एक सख्त कंडीशन है। अब वो सख्त कंडीशन क्या है हम वो अभी हम थोड़ा सा किताब से देख लेते हैं। जी अनीजा इम्तियाज, आप डिस्प्ले पर लाइए किताब को, अब्दुल मजीद साहब की किताब थ्योरी ऑफ ग्रुप्स चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 5 एरिया 3। जी सर। जी जी सेंट्रलाइजर की तरफ आइए निजाम इम्तियाज। सर सेंट्रलाइजर का वो स्टार्ट हो रहा है, वो जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी ना, जी थ्योरम और एग्जांपल 5.3.5 थी। जी सर, उसके बाद थ्योरम आ रहा है द सेंट्रलाइजर सी जी ऑफ एक्स ऑफ अ सबसेट एक्स इन अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ, सेंट्रलाइजेशन डिफाइन कहाँ किया है? डिफाइन नहीं किया। किया होगा, वहां से देख लें इंडेक्स में से देखें। जी सर ये आ गई। जी सर ये मिल गई डेफिनेशन। जी शाबाश। नाउ नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रलाइजर। द सेंट्रलाइजर ऑफ अ सबसेट एक्स इन ये अ देखो ग्रुप। स्टूडेंट्स, ठहरे ठहरे ठहरे, यहाँ पर भी जो लफज आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेंट्रलाइजर ऑफ अ सबसेट एक्स, ठीक है। इसलिए किसी ने गुमान नहीं कर लेना कि ये सेंट्रलाइजर एलिमेंट के बस निकलता है, नहीं, सेंट्रलाइजर हमेशा सबसेट का होता है। अगर वो सबसेट सिंगलटन सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक एलिमेंट बन जाता है, वो सबसेट एक सब ग्रुप भी बन सकता है, वो एक सबसेट नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय एक सबसेट होने के। लिहाजा नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में इब्तिदा का जो मेथड है वो एक सेम मेथड ही है, यानी कि नॉर्मलाइजर के लिए जिस तरह हमें एक सबसेट की रिक्वायर्ड होती है इस रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सेंट्रलाइजर के लिए भी एक सबसेट की रिक्वायरमेंट होती है, भले वो सबसेट एक सिंगलटन सेट बन जाए, एक सब ग्रुप बन जाए, एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए, हमें से अगर रिस्क नहीं है वो देखते जाएगा बिल्कुल। जी अनिजम चाह चलिए। द सेंट्रलाइजर ऑफ अ सबसेट एक्स इन अ ग्रुप जी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर परम्यूटेबल विद एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। अच्छा, ये विद एवरी एलिमेंट को अगर आप पॉइंट आउट कर सकें या एलेबोरेट कर सकें काइंडली, विद एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, विद एवरी एलिमेंट को। जी सर, जी सर अच्छा करिए। स्टूडेंट्स, यही मेन फर्क है, वहां पर भी था सेंट्रलाइज नॉर्मलाइजर किसका लिया जाता है सबसेट का, यहाँ पर भी सेंट्रलाइजर किसका लिया जा रहा है सबसेट का, वहां पर भी देखा था नॉर्मलाइजर में किसके एलिमेंट आते हैं ग्रुप के, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंट्रलाइजर में किसके एलिमेंट आते हैं ग्रुप के, वहां पर भी हमने परम्यूट करना है, इधर भी हमने परम्यूट करना है, सिर्फ एक फर्क है, वहां पर था परम्यूट विद एक्स सेट एक्स, यहाँ पर क्या आ रहा है परम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। क्या मतलब हुआ कि नॉर्मलाइजर के केस में हमने जब एलिमेंट एक ग्रुप का लिया उसको कैपिटल एक्स के साथ परम्यूट किया लेफ्ट से राइट से, अगर जवाब बराबर आता था तो हम कहते थे कि सर स्मॉल ए हमारा नॉर्मलाइजर में चला जाता है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ये परम्यूट वाली शर्त को सेट के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ देखेंगे। फर्ज कर लो अगर सेट एक्स में दो एलिमेंट है एक्स वन और एक्स टू, निजम चाहे तो डिस्प्ले पर लाइएगा अपना वो पेंट या कुछ। जी सर। फर्ज कर लें एक सेट लिखें एक्स बराबर है एक्स वन और एक्स टू का, जी सर।
एक स्मॉल ए लिखें बिलोंग्स टू जी, जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सेंट्रलाइजर में उसने कहा है कि वो एलिमेंट जी का सेंट्रलाइजर का हिस्सा बनेगा जो दिए गए सबसेट के हर एलिमेंट से इनफरादी तौर पे कम्यूट करे। मतलब हमें क्या देखना होगा, मैं वो नीचे लिखने लगा हूं कि वी विल चेक डैट, लिखिएगा नीचे, वी विल चेक डैट ए एक्स वन, इनके स्मॉल ए इंटू एक्स वन बराबर है एक्स वन ए के, एक्स वन बराबर है एक्स वन ए जी सर। जी सर, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट ए ने एक्स वन से इनफरादी तौर पे परम्यूट किया है और ए ने एक्स टू के साथ इनफरादी तौर पे क्या किया है, परम्यूट किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो एलिमेंट ए होगा, नीचे लिखते हैं दिस इम्प्लाइज डेट, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सी जी ऑफ एक्स। Small a belongs to centralizer of x in G. समझ आई मेरी बात की कि हमने centralizer में element को जो G का होगा उसको centralizer का हिस्सा तब लेना है जब वो set के हर एक element से इनफरादी तौर पे commute करे, हर एक के साथ इनफरादी तौर पे क्या करे, commute करे, तो वो element, ये सख्त condition आ गई है ना। नॉर्मलाइजर में क्या था कि आपके पास नॉर्मलाइजर में आपके पास क्या था कि जो जवाब आए वो हमने एक इंटू कैपिटल एक्स का जवाब देखना है और कैपिटल एक्स इंटू ए का जवाब देखना है। अगर वो बराबर आएंगे तो हम कहेंगे कि ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह रहे, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एलिमेंट वाइज कम्यूट करना चाहिए। अगर ए एक्स वन का जवाब फर्ज को एक्स वन ए नहीं आता, हम वही कह देंगे कि जनाब सॉरी ये सेंट्रलाइजर नहीं बन, ये सेंट्रलाइजर में नहीं जाएगा। जी सर, समझ आई मेरी बात की? जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अभी शायद नीचे में एग्जांपल में भी देखते हैं ये बात। जी अनीजा आइए, बुक की तरफ आइए। हाँ जी ठीक है, कल जैसी बातें ही हैं। जी symbolically C G of x is equal to a belongs to G such that a x is equal to x a for all x belongs to capital। हाँ ये देखो ना, ये for all x को ना आपने underline कर देना। जी सर। जी चलें आगे। Next is the centralizer of a subset like its normalizer is non-empty। हाँ non-empty होता है, कम इसको identify करने जरूर आती है। ठीक है। If x consist of a single element x, then the normalizer of x and centralizer of x are identical। हाँ ये बड़ा, ये इसको underline करवा दे इनको। जी सर। के सिंगलटन सबसे सिंगलटन सेट होने के सूरत में नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों एक चीजें हो जाती हैं। जी चलिए। इन जनरल हाउएवर द सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मलाइजर। हाँ जी ये तो मैंने बात बता दी है इनको, चलें आगे। जी सर, नेक्स्ट एग्जांपल है। हाँ जी ये बताएं। एग्जांपल में लेट g इज इक्वल टू a b सर d4 डायहेड्रल ग्रुप 4 और ऑर्डर। ठीक है जी। इट्स एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गए।
आगे उसके चलिए। बाद नीचे हमारे पास x लिया हुआ है, कैपिटल x लिया हुआ है, 1a a² a³। हाँ जी ठीक है। इसका सेंट्रलाइजर है x itself, c0 of x = x। ठीक है। इसके बाद नीचे बताया हुआ है, however if if x is equal to 1a², then centralizer of x in g is equal to g and is equal to normalizer of x in g। वो सेंटर है ना चल में इसका, जी सर 1a² इसका सेंटर है ना इसका, जी सर। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है आप लोगों की बातें बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए। अगर खुदा ना खासा कोई मसला हुआ तो फिर मुझे बताना, मैं भी उसको देख लूंगा। जी आगे चले। आगे थ्योरम है सेंट्रलाइजर सी जी ऑफ एक्स ऑफ अ सबसेट एक्स सब ग्रुप ऑफ जी, जी सर इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बिल्कुल, ये वही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका प्रूफ आपने तैयार भी करना है और समझना भी है। जैसे नॉर्मलाइजर के मुतालिक मैंने बात की थी कि नॉर्मलाइजर भी जी का सब ग्रुप होता है, ऐसे ही सेंट्रलाइजर भी जी का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। भले वो ट्रिवियल सब ग्रुप हो, भले वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हो, हमें से गरज नहीं है, लेकिन बहरहाल वो होगा उसका क्या सब ग्रुप ही होगा। तो इसका मतलब है जब भी आप किसी सबसेट का सेंट्रलाइजर कैलकुलेट करेंगे तो जो जवाब आएगा आपने देख लेना कि क्या वो जी का सब ग्रुप है या नहीं। अगर तो नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका जवाब गलत है, वहां पे हमें चेक करना होगा कि कहां पे हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी सर नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में उसने लिया हुआ है, कंसीडर द ग्रुप जी इज इक्वल टू a, b, c सच दैट a³ = b² = ab² = c² = bc² = 1, ac = ca, where g is a group of order 12 and in it h is equal to a, b such that a³ = b² = ab² = 1 is a subgroup and bc is equal to cb. The centralizer of H in G is the subgroup K is equal to C, such that C square is equal to 1. हाँ ये उसने हल करके बता दिया है कि अब H subset भी तो होता है ना, basically H उसका subset ही है, ठीक है ना? ये H subset ही ले लेंगे ना, वहाँ वो ठीक है, इलाज़ बाद subgroup ही है, इसका जब normalizer निकालोगे तो कहते हैं ये आएगा, centralizer निकालोगे तो कहते हैं ये आएगा, ठीक है ना? यानी कि बताने का उसका मकसद यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सेंट्रलाइजर के लिए चुना गया सबसेट भी आपके पास क्या है, सब ग्रुप है, और जो सेंट्रलाइजर निकल रहा है वो तो ऑटोमेटिकली जो सब हम जानते हैं कि वो क्या होता है, दिए गए ग्रुप का सब ग्रुप होता है, या दिए गए ग्रुप का सब ग्रुप होते वक्त हमने पढ़ी भी है कि सेंट्रलाइजर हमेशा जो सा होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। सर ये ग्रुप की जो डेफिनेशन दी हुई है कौन सा ग्रुप बनता है सर? ये ऑर्डर 12 का ग्रुप है। ऑर्डर 12 के कौन कौन से ग्रुप हैं? ये वो ग्रुप है जो तीन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जिसके तीन जनरेटर हैं। आप लोगों ने ऑर्डर 12 के कितने ग्रुप पढ़े हुए हैं? एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपना A4, ठीक है, और ये असल में ये देखो ना, अब इसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर आ रहे हैं वो दो या तीन ही आ रहे हैं, एलिमेंट्स के जो ऑर्डर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, दो और तीन ही आ रहे हैं। अभी इस बात को यहाँ तक रखना है क्योंकि इसके अंदर मैंने भी एक बात बतानी है, जब मैं आप लोगों को फाइनल प्रेजेंटेशन करवाऊंगा ना ग्रुप्स की, तब मैं वो बात ज्यादा वाजह करूंगा। फिर ये क्योंकि किसी बस इतनी सी बात फिलहाल समझ लो कि ये एक नॉन बिलिंग ग्रुप है, ठीक है, और नॉन बिलिंग ग्रुप है और ये ऑर्डर 12 का ग्रुप है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ग्रुप की ये जो प्रेजेंटेशन होती है ये यूनिक नहीं होती है, एक ग्रुप को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप को आप जिस ग्रुप को आप दो जनरेटर से प्रेजेंट कर रहे हो उसको आप तीन से भी कर सकते हो, चार से भी कर सकते हो, पांच से भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि कम से कम जनरेटर्स के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करें। ये हम एक खास किस्म के अमल के बाद
ये बात बना लेते होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये है कि आपने फिलहाल इस ग्रुप को इस तरह रखना है, और जब मैं फाइनल प्रेजेंटेशन आपको करवाऊंगा तब इसके मुतालिक मैं आपको मजीद डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरह का ग्रुप है और इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। फिलहाल इतने से बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर एस थ्री जोन से इसका सब ग्रुप है, एस थ्री जोन से वो इसका क्या है सब ग्रुप है, ठीक है। और क्या कहते हैं ये एस थ्री है ना, एच ए बी सेक्टर ए क्यू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ये ऑर्डर 12 का कौन सा वाला ग्रुप है वो अभी हम अभी फौरी तौर पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा वाला ग्रुप है, लेकिन दो बातें बता रहा हूँ कि एक नॉन बिलियन ग्रुप है और इसको तीन एलिमेंट जोन से वो जनरेट कर रहे हैं ए बी और सी, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करके दो एलिमेंट्स के साथ भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके हिस्से का काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल इस ग्रुप के मुतालिक मैं इससे ज्यादा फिलहाल मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज अभी हमने एक चीज पढ़ी नहीं है, लिहाजा उसके मुतालिक अगली बात में उसके बाद ही बता सकता हूँ आपको, ठीक है जी। चलें अनीजा आइए नीचे। इसके नेक्स्ट है फोर आर ग्रुप जी, द सेंट्रलाइजर ऑफ द होल ग्रुप जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी। हाँ जी, ये भी इसको भी ना वो निशान लगा दो, सेंटर की एक और डेफिनेशन है ये, सेंटर की एक और डेफिनेशन समझ लो इसको, कि सेंटर को अगर हमने सेंट्रलाइजर की तरफ से व्यू करना हो तो फिर ये मेथड है कि अगर आप पूरे का पूरा जी ले लेते हैं, यानी कि जी को बतौर सेट मान लेते हैं, जी को बतौर सेट मान लेते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। जारी बात है हमने सेंट्रलाइजर के लिए कहा है कि हम कोई सबसेट लेते हैं जी का, तो वो सबसेट जी खुद भी तो हो सकता है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सेंट्रलाइजर में जी को बतौर सेट सबसेट मान लें तो फिर सेंट्रलाइजर बेसिकली सेंटर ही होता है उसका, ठीक है, क्लियर होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि साथ साथ तैयारी आप लोगों ने एमसीक्यू इस टाइप की भी करनी है जी। चलें नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ जी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी व्हिच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक हो गया, आगे चलें। इट इज डिनोटेड बाय जी ऑफ जी दैट इज इट। आगे चलें। नेक्स्ट है, xi of g is equal to e singleton e, ठीक है, ये पढ़ा इनको, ये पता है, आगे चले। कोई है सर? आगे एग्जांपल है कौन? हां जी, बस एग्जांपल इनको बता दे। इन द ग्रुप q ऑफ ऑल कोटर्नियंस द कोटर्नियंस प्लस माइनस 1 फॉर्म द सेंटर ऑफ q। ये तो सेंटर की डेफिनेशन है, सेंटर की एग्जांपल है। और कुछ है? जैसे एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लेनी है, और वही जो चार सवाल कल मैंने आपको कहे थे, तो दोबारा लिख दें। व्हाट शुड बी अ सेंट्रलाइजर इफ, व्हाट शुड बी अ सेंट्रलाइजर इफ, जी सर, व्हाट शुड बी अ सेंट्रलाइजर इफ, जी सर, नंबर टू x इज अ सब ग्रुप ऑफ g, जी सर। नंबर थ्री x इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, जी सर। नेक्स्ट जी इज एन अबेलियन ग्रुप, जी सर, ठीक है। अब ये चार पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जैसे कल हमने नॉर्मलाइजर के लिखे थे, मैंने अब सेंट्रलाइजर के लिखे हैं। जो मैंने आप लोगों को ग्रुप्स दिए हुए हैं,
जिस तरह से मैंने आपको नॉर्मलाइजर के लिए काम करने को कहा था, सेम उस तरह से आपने सेंट्रलाइजर के लिए भी काम करना है और फिर मुझे अपने जवाब बताने। जो एक तो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि अगर एक्स सिंगल्टन होता है तो नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर में कोई फर्क नहीं होता, और अगर आप सेंट्रलाइजर में जी को पूरे के पूरे जी को बतौरे सेट मान के चलते हैं तो फिर जो जवाब आता है दरअसल वो क्या आता है, सेंट्रलाइजर का उसी ग्रुप का सेंटर आ जाता है। ठीक है, और फिर आपने ये बात भी तैयार करनी है कि सेंट्रलाइजर जो उनसे होता है ये ग्रुप के अंदर क्या होता है, उसका सब ग्रुप होता है। तो कल की और आज की गुफ्तगू में जो एक मुश्तरक चीज है वो क्या है कि आपने एक तो बात ये तैयार करनी है कि नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर दोनों के दोनों जी के क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। दूसरी बात जो आपने देखना है नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर का स्टेटस देखने, अगर सबसेट सिंगल्टन हो, अगर सबसेट आपका सब ग्रुप हो, अगर सबसेट आपको नॉर्मल सब ग्रुप हो, और अगर ग्रुप आपका क्या दिया हुआ हो, अबेलियन ग्रुप दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये कुछ कंबाइन बातें हैं, ये आप लोगों ने तैयार करनी है एमसीक्यूज के हवाले से भी, और जहां तक हो सके इसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से आप लोगों ने अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट ये आइडियाज हैं छोटे छोटे जिनकी हम जो उनसा है अपनी आने वाली लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो क्या करेंगे, इसकी वो करेंगे स्टडी करेंगे और इनको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी सर। शाबाश, कोई और सवाल है इस हवाले से तो पूछ लो। सब क्लियर है? जी सर। सब क्लियर है? चलो ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल सर जी मजीद। सर जी 2124 हाफ इधर आ गए, टेंडिस लगा दीजिएगा, उनके यहाँ लाइट ऑफ है। बड़ी गलत सी। अच्छा जी, और हुक्म हो गया। अटेंडेंस की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, आप लोग बस पढ़ाई की टेंशन लें, अटेंडेंस की कोई टेंशन ना ले, किसी किस्म की टेंशन ना ले अटेंडेंस की। ठीक है, अटेंडेंस का नहीं कोई इशू, मैं अटेंडेंस की तरफ से आप लोगों को नहीं तंग करूंगा, आप लोगों ने पढ़ाई के अंदर जरा देखना। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर। शाबाश जी, लग जाएगी अटेंडेंस, टेंशन नहीं लेनी आपने। चलो ठीक है, अल्लाह के अल्लाह।